नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइन, हिमाचल के 5 आईएएस को प्रमोशन सचिव बने। कश्यप को रिटायरमेंट से 3 दिन पहले प्रमोशन का तोहफा। सेब उत्पादकों के लिए वरदान साबित होगा फल विधायक संयंत्र। कांग्रेस हाईकमान को सत्ता रही सुक्खू सरकार की गारंटियों की चिंता। जयराम ठाकुर ने पार्टी परिषद साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस ने बढ़ाई महंगाई, सत्ता में आने के बाद बढ़ाए टैक्स। 28 वर्षीय महिला का 14 साल के लड़के पर आया दिल, रचाई शादी, अब पुलिस के पास पहुंचा मामला। कुल्लू में मकान और दुकान में लगी आग, व्यक्ति झुलसा। बड़सर में 5000 मुर्गे जिंदा जले। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार ने साल 2008 बैच के 5 आईएएस ऑफिसर्स को सुपर टाइम स्केल दे दिया है। सरकार ने आईएएस एवं डिविजनल कमिश्नर शिमला कदम संदीप बसंत, स्टडी लीव पर चल रहे आशीष सिंघमार, पर्यटन विकास निगम के एमडी अमित कश्यप, सेक्रेटरी राजभवन राजेश शर्मा और डिविजनल कमिश्नर मंडी राखिल काहलो को प्रमोट किया है। इसी के साथ इन्हें सचिव रैंक मिल गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के एमडी अमित कश्यप 3 दिन यानी 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। इस तरह कश्यप को रिटायरमेंट से 3 दिन पहले प्रमोशन का तोहफा मिला है। देश के फलोत्पादन में हिमाचल की अपनी एक अलग पहचान है। प्रदेश की सेब अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने राजधानी शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पराला में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC फल विधायन संयंत्र की इकाई प्रदेश की जनता को समर्पित की। यह अत्याधुनिक संयंत्र 101 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है और अत्याधुनिक तकनीक और मशीनों से लैस है। यह संयंत्र 1 घंटे में 10 मीट्रिक टन सेब को प्रोसेस कर सकता है। बीजेपी किसान मोर्चा की पदाधिकारी बैठक का आयोजन दीप कमल चक्र शिमला में हुआ। बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजीव देष्टा ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई पर चर्चा और चिंता केवल मात्र हिमाचल में जमीनी हकीकत की हो रही है। दिल्ली को भी आज हिमाचल में दी गई गारंटियों की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रदेश में आम जनता को राहत देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 2 बार टैक्स बढ़ाया। प्रदेश में भयंकर आपदा के बीच तेल के दाम बढ़ाए गए थे, क्रशर बंद किए गए, जिससे निर्माण सामग्री के दाम भी बढ़े। हमीरपुर जिला के दौरे के दौरान भोटा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश से केंद्र के सौतेले व्यवहार को मुद्दा बनाने के बयान पर यह पलटवार करते हुए बात कही। जिला ऊना में एक 28 वर्ष साल की महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर को दिल दे बैठी। इतना ही नहीं, महिला ने किशोर से जबरन शादी भी रचा ली है। वहीं अब किशोर के परिजन इस मामले को लेकर पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर जांच शुरू कर दी है। महिला का दावा है कि उसने किशोर से कोर्ट मैरिज की है। अब पुलिस इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। हिमाचल के कुल्लू व हमीरपुर में आग लगने की घटनाएं पेश आई है। जिला कुल्लू में एक मकान व दुकान में आग लगी और इस घटना में एक व्यक्ति झुलस गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया है, साथ ही किराने की दुकान जलकर राख हो गई है। वहीं बड़सर उपमंडल के दलचेहड़ा में पोल्ट्री फार्म में आग लगने से 5000 मुर्गे जिंदा जल गए हैं। फार्म में 12000 मुर्गे थे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।